हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी ईटिंग विद शिखा। लॉकडाउन में हम रेस्टोरेंट्स भी नहीं जा पा रहे और घर पे हमें पार्टी भी ऑर्गेनाइज करनी है। आखिर बर्थडे तो सेलिब्रेट करना ही है, तो क्यों ना बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल का बटर पनीर मसाला घर पे। तो चलिए बनाते हैं बटर पनीर मसाला। पनीर बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध को बॉयल कर लिया है और 1.5 नींबू का रस निकाल लिया है। इसमें मैंने उतना ही पानी मिला लिया है। इसको हम धीरे धीरे दूध में मिलाते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे, इससे पनीर सॉफ्ट बनता है। पनीर मैंने छान लिया है, इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे जिससे पनीर की खटास इसमें से निकल जाए। फिर इसको एक कपड़े में लपेट के एक भारी वजन रख के 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, इससे पनीर सेट हो जाएगा। चार पांच टमाटर, इनको मैंने बॉईल करके इनका छिलका उतार लिया है और इनको काट के रख लिया है। 2 बड़े प्याज, 200 ग्राम पनीर, 10-12 काजू और कुछ गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने इलायची का छिलका हटा लिया है और इलायची को कूट लिया है। एक पैन में मैंने घी को गरम कर लिया है, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, गरम मसाले, काजू, प्याज जब हल्का सा पिंक हो जाए तो इसमें डाल दीजिए टमाटर। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे जिससे कि ये नीचे लगे ना। बिल्कुल गल चुका है, इसमें से ये तेज़पत्ता और बड़ी इलायची निकाल के इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। इसको ठंडा करके मिक्सर में डालिएगा। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा मक्खन, फ्रेश क्रीम की जगह मलाई भी ले सकते हैं, मलाई को अच्छे से फेंट लीजिएगा, कश्मीरी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, कसूरी मेथी और हरा धनिया। आप अगर थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हो तो इसमें हरी मिर्च भी डाल लीजिए, हरी मिर्च से टेस्ट और अच्छा आता है। पैन गरम करिए, इसमें 1 चम्मच घी, इसमें डालिए थोड़ा सा मक्खन, इसमें डालेंगे हम पनीर, अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च और ये पेस्ट। इसमें डाल दीजिए नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम या मलाई। मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है, इसको चलाते हुए धीमी आंच पे पका लीजिए जब तक इसमें से थोड़ा सा ऑयल अलग ना हो जाए। पनीर बटर मसाला रेडी हो चुकी है, इसको हमने गार्निश कर लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।